तो आप लोगों को भी अपने घर बुला बुला कर सारा का सारा पैसा देंगे। ठीक है एवरीवन, आप सभी लोगों का तैयारी कैसे चल रहा है यार? देखो आप सभी लोग अपना तैयारी मस्त तरीके से करते रहना, ठीक है ना। मैं तो पहलवान भाई से भी नहीं मिल पा रहा हूँ, रौनक भाई से भी नहीं मिल पा रहा हूँ, और अपना हरा भरा ग्राउंड भी नहीं देख पा रहा हूँ। अभी देखो फिलहाल मैं घर पर आया हूँ। जैसे पता है आप सभी लोगों को पता होगा, मैं पिछले ब्लॉग में दिखाया था हमारे भाई का जिस हॉस्पिटल में कान का ऑपरेशन कराना है ना, मैं क्या कहता हूँ यार, उस हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर हैं सब ना, वो अपने आप को कर्नल जनरल समझ रहे हैं सब, कोई बात ये नहीं समझ रहा है सब। अब आप लोग खुद सोचना, मतलब कान का ऑपरेशन कराना है 3 दिन का बाद, और 3 दिन पहले ही वो लोग एडमिट कर दिए हैं, और 1 दिन का किराया है 1000 रुपया। तो सिर्फ पैसे के लिए मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा दौड़ा रहे हैं, पता है। देखो बहुत सारे भाई मतलब काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे हैं, और मैं किसी का भी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। किसी भाई को मतलब जो BRO की भर्ती निकाली गई है ना, तो उसमें पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं सब। ऑफलाइन फॉर्म तो भर दिए हैं सब, लेकिन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं सब, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करना है। और किसी भाई का प्रॉब्लम है, वो जो मेस वाली भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था कुछ दिन पहले, मैं उस पर एक वीडियो भी बनाया था, तो कोई भाई बोला यार वो वाली भर्ती कब आएगी, क्योंकि उस भर्ती में भी हाइट बहुत ज़्यादा कम है। और किसी भाई को तो मतलब AOC वाला जो भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया ना, आर्मी ऑडियंस कोर्प्स वाला, तो इसमें भी 3000 से ज़्यादा वैकेंसी है, इसमें भी हाइट 165 सेंटीमीटर है, और ये वाली भर्ती भी 10 पास से है, ठीक है ना। तो मिला जुला कर सभी भाई परेशान हो चुके हैं कि भाई मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिलहाल अभी मेरे जैसे कॉलेज में NCC की भर्ती है ना, तो मुझे ये भी नहीं पता है कि कब नोटिफिकेशन मोबाइल पर आएगा, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। मैं फॉर्म जमा करके आ चुका हूँ, मतलब एक भी दिन दौड़ नहीं रहा हूँ, और कुछ पढ़ भी नहीं रहा हूँ। NCC में जो पढ़ाई किया हूँ ना, वो पढ़ाई किया हूँ, तो यार मुझे अभी ना ही दौड़ने का टाइम मिल पा रहा है, और ना ही पढ़ने का टाइम मिल पा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल्स से नहीं बता पा रहा हूँ मेरे भाई। आप लोग एक काम करना, देखो मेस वाली भर्ती का तो अभी शायद 20 सितंबर के बाद ही ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे कोई भी ऑफलाइन फॉर्म या ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा तो बता दूंगा, ठीक है ना। और BRO वाला का जो पेमेंट हो रहा है ना, तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन है, नहीं पढ़ो। BRO के जब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे और उस पर जब क्लिक करोगे ना, तो एक लिंक दिया हुआ है, 4 नंबर में एक लिंक दिया हुआ है, जब उस पर क्लिक करोगे तो सिर्फ SBI का अकाउंट चाहिए, ठीक है ना। देखो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा, YouTube पर सर्च मारना कि BRO भर्ती का पेमेंट कैसे किया जाए। बहुत सारे लोग वीडियो बनाए हुए हैं और लाइव सब कुछ दिखाए हैं, ठीक है ना। वहाँ से आप लोग अपना पेमेंट कर देना, सिर्फ 50 रुपया फीस है उसका। और जितना भी वैकेंसी आया हुआ था उसके बारे में मैं आप लोगों को बता ही दिया था, तो ये तो सारा का सारा डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग थोड़ा देर वेट करो, ठीक है ना। अभी तो मुझे पढ़ने का भी टाइम नहीं मिल रहा है और दौड़ने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए दिमाग थोड़ा टेंशन में है। मैं आप लोगों को बारीकी से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ भाई, आप लोगों का कोई भी काम नहीं रुकना चाहिए। देखो BRO भर्ती का लास्ट डेट 26 सितंबर है। अब जो भाई ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाएगा तो लास्ट डेट खत्म हो जाएगा, वो BRO में फॉर्म भर ही नहीं पाएगा, भर्ती देखने जा ही नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग तो इसी की वजह से भर्ती देखने नहीं जा पाएंगे, और इसमें हाइट भी कम है, और ये वाली भर्ती परमानेंट है, और सीट भी ज़्यादा है, और सिंपल 10 पास से भर्ती भी है। तो भाई अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा ना किसी भी बात को लेकर, तो आप लोग YouTube पर एक बार सर्च मार लेना, वहाँ पर नीलेश भाई जैसे 50 लोग वीडियो बनाए पड़े हैं, ठीक है ना। और कोई एक अच्छा वाला वीडियो देखना, वहाँ से आप लोगों को पूरा का पूरा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल देखो अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है, लेट हो रहा है, इसलिए मैं अभी चलता हूँ। और देखो यार पिछले वाला जो मैं ब्लॉग बनाया था उसमें जितने भी भाई कमेंट किए हो ना कि नीलेश भाई आप अपना फोन पे नंबर दो, गूगल पे नंबर दो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कोई भाई बोल रहा है कि मैं 2000 रुपया पे कर दूंगा, कोई भाई बोल रहा है मैं 5000 रुपया पे करूंगा, जितना मेरे में है उतना ही पे करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। आप अपना गूगल पे नंबर नहीं दोगे तो मैं आपको अनसब्सक्राइब कर दूंगा। तो भाई ऐसा नहीं करना यार, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज यूट्यूब मुझे बहुत कुछ देता है, ठीक है ना। इतना मेरे लिए काफ़ी है मेरे भाई, आप लोगों का प्यार मेरे साथ रहेगा ना तो मैं हमेशा खुश रहूँगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। और एक भाई देखो कमेंट किया है सचिन खताना के नाम से, ये पता है उसी वीडियो में कमेंट किया है, आप लोग जाकर देख लेना ब्लॉग वाले में है, ये कमेंट किए हैं भाई आप 1 साल बाद बहुत पैसे वाले बन जाओगे। अब ये तो मुझे नहीं पता है मेरे भाई मैं 1 साल बाद बहुत पैसे वाला बन जाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जितने भी भाई हमसे दिल से जुड़े रहेंगे ना, 1 साल बाद सभी लोग मतलब पारी पारा करके हमारे घर आने लगेंगे, मतलब उन लोगों का प्यार देखकर मुझे ऐसा लगता है। जब मैं कभी भी अपने गांव का ब्लॉग बनाता हूँ ना, तो मेरे गांव का पूरा एड्रेस पूछने लगते हैं सब। तो जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, अब 1 साल बाद अमीर बनेंगे ना, तो आप लोगों को भी अपने घर बुला बुला कर सारा का सारा पैसा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप ही लोग ना सपोर्ट करते हो।
फिलहाल अभी मैं चलता हूँ हॉस्पिटल में, क्योंकि यार मैं क्या बताऊँ, अंदर से रोना भी आ रहा है और हंसना भी आ रहा है। और पता है जैसे सबसे ज़्यादा मुझे यही प्रॉब्लम है ना कि मैं एनसीसी का फॉर्म भर के आया हूँ और मेरे एनसीसी का दौड़ मतलब 2-4 दिन के अंदर कभी भी हो सकता है और मैं एक भी दिन दौड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं वहाँ पर दौड़ने जाऊँ तो आप लोगों को सब कुछ लाइव दिखाने का कोशिश करूँ, ठीक है ना। तो जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल बहुत सारे लोग वहाँ पर वैसे भी मिलेंगे ना कि बहुत वीडियो बनाता था, बहुत पकड़ पकड़ बोलता था और यहाँ दौड़ नहीं रहा है। अब किसको पता है कि मैं हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा हूँ। पता है सुबह में मैं जब जा रहा हूँ ना, अभी मैं सुबह में जा रहा हूँ तो वहाँ से 6 बजे निकलूँगा और जब 6 बजे निकलूँगा ना तो 9 बजे रात को अपने घर आऊँगा। तो अभी यही चल रहा है, अभी तो 8-9 दिन तक ऐसे ही चलेगा भाई। अंदर से दुख है लेकिन यहाँ से मुस्कुराहट है, सुख है, ठीक है ना। और ऐसे रहना चाहिए यार। और जितने भी भाई गोरखपुर मिलने के लिए बोल रहे थे तो लास्ट दिन मिल लेना, ठीक है ना। लास्ट दिन मैं ब्लॉग बनाऊँगा, आप लोग नौका विहार आकर मिल लेना। चलो ठीक है भाई, आप लोगों को थोड़ा सा भी किसी भी बात को लेकर डाउट होगा तो यूट्यूब पर सर्च मार लेना। और किसी भी ऑफलाइन भर्ती में वर्दी नहीं मिलता है। हाँ किसी किसी में मिलता होगा लेकिन किसी में मतलब जो मैं बताता हूँ ना अक्सर करके उसमें वर्दी नहीं मिलता है, लेकिन सैलरी 30,000 से अधिक रहता है, 60,000 तक जाता है और ये मतलब परमानेंट रहता है। मतलब ये रहेगा कि आप अपने फैमिली को खुश तरीके से रख लोगे, बस वर्दी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो बस यही सारी बातें हैं जो बहुत सारे लोगों को कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, इसलिए वीडियो के माध्यम से सोचा हूँ रिप्लाई कर दूँ। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में।